इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेम्बर बनिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज हम वतनों, पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों, जहां जहां उर्दू लोग बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। और मेरी दूसरा सवाल ये होगा कि आप, अगर कोई आपके पास ये पूछता है ना कि आपकी एलियंस के बारे में, तो मैंने एक बार सुना था कि आप कह रहे थे कि एलियंस नहीं हो सकते, प्रोबेबली आप मानते हो कि एलियंस है No, I never said that. मैंने तो ये कभी नहीं कहा। मैंने तो कहा कि probability के wise aliens हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि एलियंस पक्का ही है, क्योंकि अभी हमें मैं 15-20 सालों, पक्का नहीं है। पक्का तो तब होंगे ना जब हमें कोई एलियन का एविडेंस मिल जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज हम यही कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एलियंस होंगे। वो एलियंस एडवांस होंगे, सिंपल होंगे, ये नहीं हमें पता। इंटेलिजेंट बींग्स होंगे, हमें नहीं पता क्या वो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो एलियंस, जो वही वाली रिलीजन वाली बात आ गई ना, कि जो लोग कहते हैं क्रिएटर हो सकता है, कोई आर्गुमेंट फिलोसॉफिकली आप इख्तराक कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन, ओके, आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसका एविडेंस कोई नहीं है, ठीक है। उसी तरह एलियंस हो सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, यूनिवर्स इतनी बड़ी है, कैसे नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन उसका अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन कन्वर्सली लोग ये कहते हैं कि हमें खुदा मिल गया, हमें हमारा वाला जो खुदा है ना, जो हमारा मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, डीएटी है, वही ठीक है। उसी तरह लोगों ने एलियंस के बारे में बता दिया कि जो हम एलियंस 1952 में रॉसलैंड इवेंट हुआ और यूएफओज हमने देखी हैं, एलियंस डेफिनेटली हैं। तो अगर एलियंस है भी तो वो ये वाले एलियंस नहीं है, ये जो कुछ पागल अमरीकी जो ढूंढ लेते हैं एलियंस, ये उसी तरह अगर खुदा है तो ये वो वाला खुदा नहीं है जो ये हमारे मजहबों ने ढूंढा हुआ। हाँ, क्योंकि हम लोग, अगर मान लीजिए हमें पूरे लाइफ में मिला नहीं, लेकिन हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड इतनी फास्टली कर रहा है कि कई कई जगह से लाइट हमारे पास कभी पहुंचेगी भी नहीं, तो हम जान भी नहीं पाएंगे कि वहां पे एलियंस है या नहीं। लेकिन जब इतनी सारी प्रोबेबिलिटी है, जब इतना सारा रैंडमनेस है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा चांस है। यानी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी में देखोगे तो मैं मानूंगा कि 0.9% से, 0.9 से ऊपर ही होगा एलियंस का चांस। तो चलो ठीक है, बस मैं बस इतना ही कहना चाहता था। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।